नमस्कार दोस्तों, 2 जून को शाम 7 बजे के करीब उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हादसा होता है। उड़ीसा और चेन्नई के बीच चलने वाली 3 एक्सप्रेस ट्रेन एक साथ टकरा जाती है। करीब 288 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। इसमें 1100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं। कई बिकाऊ पत्रकार तो ब्लेम डालते हैं कि सिग्नल सही ढंग से काम नहीं किया, इसलिए ये हादसा हो गया। ये लोग ये नहीं पूछेंगे कि जब हमारे पास बेस्ट इंटरलॉकिंग सिस्टम और कवच सिस्टम था तो इसमें सभी ट्रेनों में इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। ये लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि जब 2 साल पहले कवच सिस्टम का उद्घाटन किया गया तो अब तक मात्र 2% ट्रेनों में ही कवच सिस्टम क्यों लागू हो पाया। ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं है दोस्तों, ऐसे इंसिडेंट अक्सर टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पे। डीरेलमेंट की वजह से ट्रेन का टकराना इतना कॉमन इवेंट हो गया है। इसी रीजन से इस घटना का डिटेल एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है ताकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। आइए समझते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में उड़ीसा में बालासोर स्टेशन पर 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन बना हुआ है। अप लाइन कोलकाता की तरफ जाती है और डाउन लाइन चेन्नई की तरफ जाती है। घटना का निरीक्षण करने के बाद 4 वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने हादसे का रिपोर्ट दिया। इस अधिकारियों ने कहा कि 1284A कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया, लेकिन तुरंत बाद सिग्नल वापस ले लिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था, लेकिन वह मेन लाइन पर जाने की बजाय लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खड़ी होने से सीधा टक्कर हो जाती है। यह टक्कर इतनी भीषण होती है कि कोरोमंडल के डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और डिब्बे पलट कर मेन लाइन पर गिर जाते हैं। तभी इसी ट्रैक पर यशवंतपुर एक्सप्रेस आकर भिड़ जाती है। ट्रेन के परछक्के उड़ जाते हैं और चारों तरफ चीख चिल्लाहटें अफरा तफरी मच जाती है और लगभग 288 लोगों की मौत मौके पर ही हो जाती है। 1100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। रेल मंत्री ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एरर के कारण ही यह हादसा हुआ। हालांकि पिछले 10 से 15 साल में कई ऐसे रेल एक्सीडेंट हुए हैं जो कि इंडिया रेलवे के सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमने शायद सबक नहीं सीखा और इतने लोगों की जानें चलेगी। चाहे 20 जुलाई 2011 फतेहपुर एक्सीडेंट हो जिसमें ट्रेन पटरी से उतर गई और 70 लोगों की जान चली गई, मई 2012 हम्पी एक्सप्रेस एक्सीडेंट जिसमें 25 लोग मारे गए, मई 2014 गोरखपुर धाम एक्सप्रेस जिसमें 25 लोग की मारे गए, 15 मई 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस 146 लोगों की मृत्यु हो गई, जनवरी 2017 हीराकुंड एक्सप्रेस 40 पीपल डाइड। इसके 4 दिन बाद ही कैफियत एक्सप्रेस की पटरी से डिरेल हो जाना जिससे 70 से ज़्यादा लोग इंजर हो गए।